सर, जैसे आपने बताया कि एक साल पहले आपने ये डेयरी फार्म स्टार्ट किया था, दो गाय से आपने स्टार्ट किया, आज मैं देख रहा हूँ गायों का भंडार भर रखा है आपने चारों तरफ से। तो ये गायें आप पंजाब से आपने इम्पोर्ट किया है, पूरी पंजाब से ही कि अलग अलग स्टेट से? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से किया है, एक पंजाब से लॉट है, एक नासिक से है, और एक इधर हम लोकल भी काठियावाड़ से परचेज किया है। वो जो गिर है वो काठियावाड़ देश से ही मिलेगा अच्छे से। आपने जैसे डिवाइड कर रखा है, एक सेगमेंट ये हो गया गायों का, एक मैं सामने देख रहा हूँ वो हो गया, और कुछ जाफराबादी भैंसें भी उधर बंद रखी है आपकी, वो दिख रही है सामने, वो रही भैंस भी है। सामने वो जाफराबादी है, उधर काठियावाड़ी और गिर मिक्स है। अच्छा सर, और ये जो गाय है ये सब एचएफ वाली इस तरफ रखी है, एचएफ गाय उसका डिवीजन रख लिया है सर। तो ये मैक्सिमम कितने लीटर वाली गायें हैं सर? ये सब 10 से 12 लीटर 15 लीटर ऐसी है, 10 से 12 लीटर। और सर, ये इनके लिए आप सीमेंस का कैसे उपयोग करते हो, क्या प्रोसेस रहता है आपका, ब्रीडिंग प्रोसेस क्या रहता है? ब्रीडिंग में तो देखो, अगर सक्सेसफुल डेयरी फार्मिंग करना है तो ब्रीडिंग पे ही काम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अच्छा सा सीमेंस डालोगे तो उसकी जो भी ब्रीड आएगी तो वो भी अच्छी रहेगी। अगर आप ये देख रहे हो तो ये देखो, ये जो गाय है वो करीबन 14 लीटर देती है अभी, 14 लीटर वाली गाय है। हाँ, 14 लीटर वाली गाय है। आप उसको ये जो है उससे भी आप देख सकते हो अच्छे से। जी सर, ये इसको मिल्क वेन्स बोलते हैं। जी सर, ये सही गाय की पहचान है ये। तो ये हमने पंजाब से लिया है। कितने महीने कितने साल की है ये? अभी करीबन उसका सेकंड लैक्टेशन है। सेकंड लैक्टेशन इधर आके ही सेकंड लैक्टेशन हुआ है। फर्स्ट लैक्टेशन में आपने उसको, हमने ABS का ही वो सीमेंस लगवाया है। ये कितने में पड़ी थी सर आपको ये? मेरे को अभी ट्रांसपोर्टेशन करीबन 92,000 में पड़ा। 92,000 है। आपको कितना बताया, जितना बताया गया दूध उतना ही निकल रहा है? वो लोग बताते हैं 40 लीटर पर डे का। लेकिन इधर आके क्या होता है, उधर का एटमोसफियर, इधर का एटमोसफियर होगा, वो लोग हरा चारा में साइलेज खिलाते हैं, इधर हमारे पास साइलेज अवेलेबल है। लेकिन ये पूरे दिन का 30 लीटर तो मिल्क देती है। और ये सबसे अच्छी ये बात ये है, डेनमार्क ब्रीड है, प्योर डेनमार्क। यस, और डेनमार्क की वो काम डिसिप्लिन में होती है ये गाय। और क्या क्या खूबियाँ होती है डेनमार्क की? अगर डेनमार्क की जो गाय होती है ब्रीडिंग वो सबसे अच्छा मिल्क देती है, डिसिप्लिन वाली गाय होती है, थोड़ा बहुत पड़ा उसमें वो वातावरण में एडजस्ट होने में दिक्कत होता है, लेकिन सेट हो जाएगी राइट सर, अगर आप अच्छे से फोगर डाल दोगे। ये गाय मैं देख रहा हूँ, इसके बारे में कौन सी चर्चा है, क्या है, कौन सी गाय है? यही सेम है, वही सारी HF ही है, और वो भी पंजाब से ही एक्सपोर्ट किया है, वो इम्पोर्ट किया था। ये भी 15 लीटर 16 लीटर? नहीं, ये 12 लीटर देती है एक टन का। अच्छा, हाँ, पूरे दिन का 24, लेकिन अभी तो ये भी गाभिन हो चुकी है सर। ये भी इनमें अच्छा गायों में हम खासतौर पर देखते हैं जब गर्मी आती है तो उसमें थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम आती है, उसके बचाव के लिए आप क्या कोशिश करते हो, क्या अलग से करते हो सर? सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो गर्मी में होता है, तो उसके लिए अच्छा सा शेड बनाओ हाइट वाला, तो एयर सर्कुलेशन प्रॉपर होगा। फिर उसके ऊपर जो हमने जैसे कूल्ले डाले हैं तो उससे टेम्परेचर 3-4 डाउन हो जाएगा। फिर फोगर डाल दो, सब लोग बोलते हैं फोगर से बैक्टीरिया होता है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर फोगर टाइमर के हिसाब से चलाओगे तो नीचे का फोर्स जो है गीला नहीं होता राइट सर, तो उससे बैक्टीरिया का प्रॉब्लम होगा। ये प्योर वाइट है, ये एश हाइब्रिड है, ये भी पंजाब से हुआ है। कौन सी ब्रीड बताई सर? एश हाइब्रिड है। इसकी क्या खूबी है? इसकी खूबी यही है कि ये दोनों सीजन, गर्मी में भी कभी नहीं हाँफेगी और ठंडी में भी उस पर कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सबसे शांत और सबसे अच्छी गाय ये होती है ब्रीड वाली। इसकी क्या और उसका है सर, अगर आप गूगल पे भी देखोगे तो 180 स्पीसीज है उसकी जो रियल। हाँ, 180। हाँ, लेकिन उसमें से उन लोगों ने ब्रीडिंग कर करके पंजाब में डेवलप किया उसका। बुल भी अभी 5-5 लाख में बिक रहा है। तो इसके लिए आप कौन सा सीमेंट यूज कर रहे हैं? अभी तो उसको लगवाया नहीं है, लेकिन हम उसके लिए पंजाब से ही मंगवाएंगे अच्छा सा। अगर इसकी दूध कैपेसिटी की बात करें तो क्या दूध की कैपेसिटी रहती है, कितना इसका? वो फर्स्ट लैक्टेशन में 26 से 30 लीटर देती है। 26 से 30 लीटर। और ये हमारे पास इधर भी आके 24 लीटर का दिया उसने। इसका फैट का रेशियो जानने की कोशिश करेंगे तो क्या फैट का रेशियो रहेगा? इसका फैट रेशियो HF से अच्छा और ज़्यादा रहेगा। ये वो लोग तो 5 बताते हैं, हमने उधर डाल अलग से फैट रेशियो निकलाया था, 5 आता ही है, 5 आता है। हाँ, और सर ये आपने 10 सीट बना रखा है, 2 मैं देख रहा हूँ, दर्शक काफ़ी इच्छुक रहते हैं जानने के लिए कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी सेंटर में हाइट कितनी है? सेंटर का जो हाइट है वो 15 फुट है। हाँ, और ये जो शेड है वो 40 फुट 60 फुट लंबा है। कितना? 60 फुट 40 से 60 फुट है। अच्छा, वो मेरे को देखना पड़ेगा एक बार। राइट सर। हाँ, और जो पीछे का स्पेस है जो हमने इधर इसको घूमने के लिए ही रखा है, ये गायें यहाँ घूम सकती है? हाँ, घूम सकती है। ये सिर्फ मिल्किंग के लिए, खाने के लिए ही हम उधर उसको यहाँ देख सकते हैं। हाँ,
इसकी हाइट आप क्या विड्थ रहेगी जो बीच में आपने ये खाने के लिए बना रखा है? देखो ये बताना चाहूँगा, ये थोड़ा है, ये हमने थोड़ा सा छोटा बन गया, थोड़ा सा छोटा है। अगर इसमें 2 फुट ज़्यादा हो जाएगा तो आसानी से घूमेंगे, आसानी से वो ट्रॉली जो है वो बीच में से पास हो सकती है। ऐसे होता है लेकिन छोटा वाला होता है, राइट सर, क्योंकि हरा चारा डालते हैं तब कन्वीनियंट रहेगा, राइट सर। और इसकी क्या जो है इसकी हाइट 2.5 फीट है, और ये भीड़ है 3-3.5 फीट, 3.5 फीट। हाँ, और ये जो पानी की कुंडी है वो ऑटोमेटिक पानी अंदर से नल लगा रखा है, 3-4 घंटे बहुत है धोने के लिए और खाने के लिए, तो पानी उसको पीना हो तो वो पी सकती है। और ये सर कितने फिट पे आपने इंच पे ये लगा रखा है खाने के लिए जो आता है मुंह से बाहर निकालने के लिए, इसको क्या बोलते हैं? उससे लॉक सिस्टम बोलते हैं, लॉक सिस्टम। इसमें एक बार आती है ऐसा करके उसको लॉक कर दो तो वो वापस नहीं चलेगी। और ये सबसे अच्छा तब रहेगा जब कोई बीमार होती है तो उसके मुंह में दवाइयाँ डालनी होती है, तब ये बढ़िया रहेगा। और ये जो फोगर डाला है, हमने पहले एस्टिमेट निकाला था तो हमको 15 फोगर का विद सेट सब इंक्लूड करीबन 16,000 का एस्टिमेट दिया था, 15,000 से 16,000, लेकिन ये हमने अपने आप से किया तो सिर्फ 4,000 से 5,000 में आपका पूरा फोगर सिस्टम बन जाएगा। 4,000 से 5,000? हाँ, सिर्फ 4,000 से 5,000। और ये आप काठियावाड़ी के बारे में बता रहे थे, इसकी थोड़ी सी पहचान विशेषता ही बताइए, व्हाट आर द बेनिफिट्स? काठियावाड़ पीने के लिए जो HF का होती है उससे अच्छा मिल्क होता है। दूसरा, एक गाय है जो समर होता है तो समर में रह सकती है, HF का हॉफती है, कभी हॉफेगी नहीं, HF का दूध समर में घटेगा, इसका कभी नहीं घटेगा, राइट सर। कितना लीटर दूध रहता है, कितनी कॉस्ट रहती है इसकी? देखिए ये गाय है जब हम लिया था तो 10 लीटर सुबह में और 10 लीटर शाम को, अभी ये 6 महीने की प्रेग्नेंट है, फिर भी 6 लीटर एक टाइम का मिल्क निकल रही है। कितना रेशियो रहता है फैट का? फैट का रेशियो 43-44। यस, आगे भी देख रहा हूँ, ये कौन सी गायें हैं? कौन सी? ये सब काठियावाड़ी, ये HF है, ये काठियावाड़ी है, ये HF। काठियावाड़ी इसका नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे कुछ आपको हिस्ट्री पता है? काठियावाड़ से वो ओरिजिन है ना उसका, इसकी वजह से। अच्छा, ये काफ़ी मजबूती मानी जाती है, कौन से वातावरण में ढल जाती है इसको? वो कोई भी वातावरण में ढल जाएगी, ऐसा उसको नहीं है कि ठंड लग जाएगी, सर्दी लग जाएगी, क्योंकि पहले क्या होता है ऐसा शेड वेड नहीं होता था, खुले में ही घूमती थी, राइट सर। और सर आगे भी देख रहा हूँ ये गायों का, आपने अच्छे से एक से बढ़ के एक भारी भरकम शरीर में दिख रही है, फैट की आप देख रहे हो कितना अच्छी फिटनेस आपने इनकी मेंटेन कर रखी है, एकदम बॉडी आप देख सकते हो, बॉडी भी एकदम सही लग रही है एकदम। ये कौन सी है सर? ये भी काठियावाड़ है, ये काठियावाड़ है, काठियावाड़ भी अच्छी खासी शंकर ब्रीड है। ये कौन सी है? शंकर ब्रीड, ऐसा बोलते हैं लोग, इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन जहाँ से लिया था वो बोल रहे हैं कि शंकर ही काठियावाड़ जैसी भी होती है। इसको कुछ फर्क पड़ा आपको क्या है क्या नहीं? नहीं, उसका फैट अच्छा होता है। अच्छा अच्छा, इसके अलावा अंदर भी देख रहे हैं वो, वहाँ भैंसें दिख रही है आपको, और ये 2-3 गायें अलग से बांध रखी है, वो क्यों बांध रखी है सर आपने? कोई जगह नहीं है ना, हाँ ये सिर्फ हम क्या जो इसमें आ जाएगी 15 गाय, लेकिन हम सिर्फ 10 ही बांधते हैं, क्योंकि जब गाय खाना शुरू करेगी तो वो क्या है, इसका अगर 5 लीटर दूध है तो उसका अच्छे से खाना दिया, इसका 10 लीटर से उसको ज़्यादा खाना दिया, तो एक दूसरे का खाना चाहिए, उसके लिए हम डिस्टेंस से बांधते हैं। ओ, वैसे 2 ही आप बांध रखी है, आगे बढ़ाने की आपकी इच्छा है कि आपने शौक के लिए 2 पाल रखी है? जाफरावादी भैंस दिख रही है मेरे को। नहीं, भैंस में हम लाएंगे 2-3 और, लेकिन वो टाइम अभी थोड़ी देर के महीने के बाद लाएंगे। कोशिश है आपकी, आप और इंस्टॉल करोगे गायों को? जाफरावादी ही डालेंगे। जाफरावादी क्या सबसे अच्छी ब्रीड मानी जाती है? जाफराबादी सबसे अच्छी ब्रीड है, मुरक्का भी है, ये जो बनी है वो भी होती है, लेकिन जाफराबादी सबसे अच्छी होती है, राइट सर। और सर कुछ बताना चाहोगे लास्ट में जो बच गए हो, आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहोगे जो मैंने आपसे नहीं पूछा हो, जो दर्शकों के लिए अच्छा रहे, कुछ आप बता सकते हो? देखिए, डेयरी फार्मिंग अगर चलाना है तो वह क्लीननेस होना चाहिए, राइट। देखो आप अगर देख रहे हो इधर, मैं देख रहा हूँ का खाने का जगह है, बिल्कुल, लेकिन पूरा का पूरा ये खा ले फिर सुबह शाम दोनों बार वॉश हो जाता है, राइट सर। फिर उसको नीला चारा हरा चारा डालते हैं, राइट सर, सूखा चारा भी बाद में डालते हैं, लेकिन जो क्लीननेस अच्छे से होना चाहिए। और गाय को रोज मैं बोलता हूँ एक टाइम तो नीला हो, राइट सर। सामने देख सकते हो दोस्तों कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने फार्म को मैनेजमेंट कर रखा है, ये एक पढ़े लिखे इंजीनियर ग्रेजुएट है, आपने देखा इनका पार्टनरशिप में ये बिजनेस चला रहे हैं और कितना अच्छा मैनेजमेंट कर रखा है। तो आप ऐसे सोचते होंगे कि आप इंजीनियरिंग करके अगर डेयरी फार्म में आओगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं गए, लोगों का काम है कहना, आप अपने जो आपका पेशन है सिर्फ अपना काम करो, आप अपने काम से काम रखिए, उसको कुछ नई टेक्नोलॉजी से ऐड कीजिए और जो आप चाह रहे हो वो आप मुकाम हासिल कीजिए।
तो सर मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ए से लेके जेड तक जो भी इश्यूज होते हैं डेयरी फार्मिंग में, चाहे फीडिंग का हो, मैनेजमेंट का हो, ब्रीड्स का हो, साइज़ का हो, सारा आपने ए से जेड तक डिटेल में आपने जानकारी दी। जो आपने अलग न्यू टेक्नोलॉजीज ऐड कर रखी है, जैसे आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दी जो काफ़ी डेयरी फार्मर्स के लिए न्यू होगा, वो आप एक काफ़ी अच्छा, आपके साथ मैंने बात करके मेरे को काफ़ी अच्छा सीखने को मिला। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सामने किसान भाई भी देख रहे हैं उनको भी एक काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा और वो भी उस नॉलेज को अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे और सक्सेस होंगे। और आपको तहे दिल से सर एक बार लास्ट में थैंक यू सो मच। मैं भी आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा और ये आपने जैसे सही इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुँचाई है, ताकि मेरे से जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उससे सीख के कुछ जो भी स्टार्टअप करना चाहेंगे वो भी सीख के आगे बढ़े। थैंक यू सो मच, आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।